हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इकोनॉमी का प्रैक्टिस थर्ड लेके आए हैं। दोस्तों, हम आपको इकोनॉमी के 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज आपको थर्ड प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें दोस्तों आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पहले ए ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, बी 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी 15वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर का डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहला आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ये तो होगा नहीं, और आपका 12वीं 12वां आपका हो सकता है, और 15वीं तो 15 तो हुई भी नहीं थी दोस्तों। अब तो पंचवर्षीय योजना आपका ये योजना आयोग ही खत्म कर दिया गया। अब क्या आ गया दोस्तों? नीति आयोग। तो इसमें आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, भाई दोस्तों आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये आपकी 2012 से 2017 थी, लेकिन आपका क्या है, 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, और आपका सॉरी 14 गवर्नमेंट आ जाती है, और 15 मार्च 1950 को नीति आयोग का गठन करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या आपका डी दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसमें हमारा क्या है, गाडगिल फार्मूला यूज किया गया, ठीक है दोस्तों, लागू किया गया। गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये कब थी आपकी? 1969 से 74, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, आपका योजना आयोग हो, चाहे अब आपका नीति आयोग हो, ठीक है, चाहे आपका नीति आयोग हो, दोनों के ही आपके उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वह होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष उस टाइम कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? अभी हमने आपको बताया था नीति आयोग में कब बदला गया आपका, ये ऑप्शन ए 2010, बी 2012, सी 2013, आपका डी 2015। तो हमारा नीति आयोग दोस्तों इसका आपका 15 मार्च 2015 को गठन हुआ, 2015 को गठन हुआ इसका आपका। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ? प्लीज़ दोस्तों, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को हमें देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जितने भी साथ वाले दोस्त हैं आपके, उन्हें सबको आप क्या है शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिर आपका 5वां है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, या आपका डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ए 1920 में, बी 1935 में, सी 1925 में, से 1935 में, या आपका डी 1940 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आपकी 1935 में हुई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी आपका स्थापना 1935 में हुई, और जो हमारे पहले गवर्नर थे दोस्तों, पहले गवर्नर थे सबसे पहले, भाई हमारे कौन से, उनका क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन स्मिथ, ठीक है, उनका नाम आपका ऑप्शन स्मिथ था। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे, तो भाई आपका हो जाएगा दोस्तों CD देशमुख, ठीक है, CD देशमुख। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ, ए 2005 में, बी 2009 में, सी 2012 में, आपका डी 2015 में। दोस्तों, हमारे जो भारत में क्या हुआ, भारत में गरीबी की माप से संबंधित कुछ समितियाँ बनाई गई थी, तो उसमें आपकी एक समिति सुरेश तेंदुलकर नाम से भी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, इनका गठन कब हुआ था? इनका गठन आपका 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2005 में हुआ था, और उन्होंने 2005 के बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, GST की दर नहीं है, देखिए जो हमारा GST है अभी, उसमें आपके कौन कौन सी दर हैं? ए 5%, बी 10%, सी 12%, या आपका डी 18%। तो हमारी GST दर देखिए आपकी 5% भी है, 12 भी, 18 भी, लेकिन आपका 10 नहीं है। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एशिया का पहला शेयर मार्केट है, ऑप्शन ए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बी कोरिया एक्सचेंज, या सी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और डी है दोस्तों आपका सिंगापुर एक्सचेंज। तो देखिए, हमारा एशिया का पूछा है, ध्यान रखना दोस्तों, एशिया का पूछा है, ना कि इसको आपका एशिया का सिर्फ पूछा है,
तो एशिया का जो हमारा पहला शेयर मार्केट है भाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 9th का आपका सी सही हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहते हैं, ए सी ए सी 40, बी सेंसेक्स, आपका सी ए ई एक्स, या आपका डी एस एम आई। तो हमारे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? सेंसेक्स। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व का पहला शेयर मार्केट, देखिए अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारा कौन सा था? आपका एशिया का था। ठीक है दोस्तों, भाई आपका कौन सा था? एशिया का था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका विश्व का पहला शेयर मार्केट। ठीक है, विश्व का पहला शेयर मार्केट ये आपका कौन सा था? ताइवान शेयर मार्केट, बी एम्स्टर्डम शेयर मार्केट, सी हांगकांग शेयर मार्केट, है आपका डी कोरिया एक्सचेंज। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी था, इसमें एम्स्टर्डम था। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग की बात करें तो एम ये लिखा ही जाता टी आर डी डी ए एम। ठीक है, ये आपका कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में। ये आपका कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में, हमारा विश्व का पहला शेयर मार्केट। ठीक है, चलिए दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल, आप सारी चीज़ें क्लियर करते चलें, कौन सा हमारे विश्व का है, कौन से एशिया का है, सारी चीज़ें क्लियर करते चलें। चलिए, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? ए होशंगाबाद, बी रामपुर, सी इलाहाबाद, या आपका डी फरुखाबाद। तो हमारे सिक्योरिटी पेपर मिल है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल जहाँ पर हमारा क्या होता है, जो नोटों में प्रयोग होने वाला कागज़, जो हमारा नोटों में प्रयोग होने वाला कागज़ होता है भाई, वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, वहाँ पर आपका क्या है? बनाए जाते हैं। तो पेपर मिल कहाँ है उसकी आपकी? 12वें का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल सही हो जाएगा, होशंगाबाद। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपका होशंगाबाद पड़ता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देखिए वो आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल थी, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ए झारखंड में, बी उड़ीसा में, सी होशंगाबाद, या आपका डी हैदराबाद। दोस्तों हमारा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है ये आपकी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपकी हैदराबाद में। ये आपकी क्या है? हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना, हैदराबाद, और आपकी क्या है ये? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में यहाँ पे हमारे क्या नॉन जुडिशियल स्टॉम्प जो हैं उनका आपका छपाई होती है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का आरंभ कब हुआ? आपने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कई खाते खुले थे हमारे जो भी हैं, इसका उद्देश्य था हमारे हर गरीब का मतलब एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उनका भी, सही है। तो इसमें ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2015 में, आपका डी 2016 में। तो ये आपकी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है दोस्तों आपकी 2014 में शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आरंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आरंभ कब हुआ? ए 2013 में, बी 2015 में, सी 2016 में, आपका डी 2017 में। तो ये हमारे 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आपका आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका आंसर शीट है दोस्तों। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी हमारे साथ के दोस्त हैं सभी के साथ आप चैनल को क्या है? शेयर करें, उन्हें बताएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।